ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रावण मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली यह पौराणिक कथा। शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाए जाते तुलसी के पत्ते? भगवान विष्णु के श्राप से जुड़ा है यह रहस्य। वैसे तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है, इसके अलावा भी कुछ अन्य पत्ते और हैं जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति होता है। हालांकि हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले तुलसी के पत्ते महादेव को अर्पित नहीं किए जाते हैं, इसको लेकर दो अलग अलग पौराणिक कथा जुड़ी है। आइए सुनते हैं। इन दिनों में सावन का महीना चल रहा है, मंदिरों में से भी भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान शिव के विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है और उन पर बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे भगवान शिव पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके बारे में आप के यहाँ बताते हैं। दरअसल पूजा के दौरान भगवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, इसको लेकर अलग अलग पौराणिक कथा भी जुड़ी है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जालंधर नाम का राक्षस हुआ करता था, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। जालंधर वृंदा पर बहुत अत्याचार करता था, जिसके कारण भगवान शिव ने श्री हरि को जालंधर को सबक सिखाने के लिए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के प्रबंध धर्म को भंग कर दिया। वृंदा को जब इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस समय भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वह उन्हें जालंधर के अत्याचारों से बचा रहे थे और उन्होंने वृंदा को श्राप दिया कि तुम लकड़ी की बन जाओ। कालांतर में वृंदा तुलसी बन गई। तुलसी को भगवान विष्णु का श्राप था और इसी श्राप के कारण तुलसी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाती हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक अन्य कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी और इस कारण जालंधर अधिक शक्तिशाली हो गया था। ऐसे में जालंधर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने उसी का रूप धारण किया और वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा का पति धर्म तोड़ दिया था तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप से रुष्ट होकर विष्णु जी ने बताया कि वो उसका राक्षस जालंधर से बचाव कर रहे थे और उन्होंने वृंदा को श्राप दिया कि वो लकड़ी की बन जाए। इधर वृंदा का प्रतिव्रत धर्म नष्ट होने के बाद भगवान शिव ने राक्षस राज जालंधर की हत्या कर दी थी। विष्णु जी के श्राप के कारण वृंदा कालांतर में तुलसी बनी। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित हैं और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।